2020 का साल अजिहा चढ़िया कि पूरी दुनिया विच तबाही मचा दी। भारत उपर इस साल का असर कुछ ज़्यादा ही पै गया। पहला करोना, फिर गैस लीक कांड, दिल्ली विच बार बार भूचाल के झटके अते फिर उत्तरी पछमी राज्यां विच अम्फान तूफान की तबाही। इंज लग रहा है जिमें साल जांदा जांदा देश ते कई वड्डे दाग छड जाएगा। ताज़ा खबर मुंबई तो है जिथे करोना की भारी तबाही तो बाद हुण तूफान निसरग ने दस्तक दी है। तूफान निसरग मुंबई और गुजरात वल करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार नाल वध रहा है। बचाव टीमों वालों हजारों लोगों सुरक्षित बाहर कढ़िया जा चुका है, जबकि हाले भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र विच तेज हवावां दे नाल नाल भारी बारिश लगातार बरस रही है अते आउण वाले करीब 7-8 घंटिया तक तूफान दे भारी तबाही मचाउण दे आसार दसे जा रहे ने। महाराष्ट्र दे राळेगढ़ अते रत्नागिरी इलाके विच तूफान नाल कई दरख्त जड़ों पट्टे गए, जबकि कई घरां दीआं टीन दीआं छतां हवा विच उड़ गईआं। मौसम माहिरां मुताबक मुंबई 129 सालां बाद अजिहे चक्रवात दा शिकार होया है। उन्हां कहा कि महाराष्ट्र के अलीबाग नेड़े चक्रवात निसरग पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साइक्लोन निसर्ग हैज फर्दर इंटेंसिफाइड टुडे मॉर्निंग एंड इट हैज बिकम ए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। द एसोसिएटेड विंड स्पीड इज अबाउट 100 टू 110 kmph, गस्टिंग टू 120 kmph। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विद दिस विंड स्पीड इट विल क्रॉस महाराष्ट्र कोस्ट बिटवीन हरिहरेश्वर एंड दामन, वेरी क्लोज टू साउथ ऑफ अलीबाग ड्यूरिंग आफ्टरनून, that means around 1 o'clock to 4 o'clock. So while it will be crossing the coast, it will have this strong wind speed, as I told, 100 to 120 kilometers per hour over specially districts of Raigad, Thane and Mumbai. In addition to that, we can also expect wind speed of about 80 to 90 kmph over Ratnagiri and Sindhudurg districts and also over Palghar district of Maharashtra. तूफान नूं देखदिआं रेल विभाग वल्लों ट्रेनां दा समां बदल दित्ता गिआ, कई ट्रेनां रद्द कर दित्तीआं गईआं ने अते नाल ही हवाई उड़ानां नूं वी रद्द कीता गिआ। मछेरियां नूं समुंदर विच्चों बाहर कढ़िया जा रहा है। अधिकारियों मुताबक NDRF दीआं टीमां हुण तक करीब 1 लाख लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचा चुकीआं ने अते बचाव कार्ज हाले वी लगातार जारी ने। ऑल द टीम्स आर ऑन स्टैंडबाय, अबाउट 43 टीम्स ऑफ NDRF आर डिप्लॉयड इन द टू स्टेट्स, आउट ऑफ विच 21 आर इन महाराष्ट्र, 16 आर इन गुजरात। As per reports that we got from the state authorities, about 40,000 or in excess of 40,000 have been evacuated in Maharashtra, in excess of 40,000 again in Gujarat. So, and if you count the evacuations in the Daman and Diu and Silvassa area, so we are talking about an evacuation nearly 1 lakh of population that has been evacuated from the cyclone's path. So all in all, the preparations on ground are, I think, okay. Let's hope for the best. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਸਰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।